आज हम एक वीडियो के थ्रू दो चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीडियो एक होगी और चैप्टर कितने कवर होंगे? दो, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से वीडियो को डिजाइन किया, इस तरीके से पूरा कंटेंट को तैयार किया है कि अपनी बायोलॉजी वाला बायोमोलिक्यूल चैप्टर है प्लस जो केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है दोनों इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी प्लस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी दोनों को मिला के मैंने कंटेंट तैयार किया है, दोनों का पोर्शन आपका पूरा एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स की पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे उनको हम बोल देंगे बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब ये किस बेस पे किया गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये भी हम आगे करेंगे, ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रो माइक्रो मतलब ये छोटे होंगे, मतलब ये कम वेट वाले होंगे, और मैक्रो मतलब ये बड़े होंगे, ये ज्यादा वेट वाले होंगे। और इनका वेट भी एनसीईआरटी में स्पेसिफाई किया गया कि माइक्रो मॉलिक्यूल बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होता है, 18 से 800 डेल्टन तक। और मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब इनका वेट ज्यादा होगा, तो इनका वेट कितना होता है, 10,000 डेल्टन से ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये माइक्रो है तो इसमें आ जाएंगे मोनोमर, और यही मोनोमर जब कंबाइन करके पॉलीमर बना देंगे वो आ जाएंगे मैक्रो में। इसको थोड़ा समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अमीनो एसिड है, सिर्फ एक अमीनो एसिड है, तो उसका वेट बहुत कम होगा तो वो आ जाएगा माइक्रो में। अब बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलके पॉलीमर बना देंगे, और अमीनो एसिड के पॉलीमर को क्या बोलते हैं, हमें पता है क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन किससे मिलके बना है, अमीनो एसिड। तो अब प्रोटीन जब बनेगा तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत सारे अमीनो एसिड आ गए ना उसमें, तो यह आ जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल में। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोटाइड जब अकेला है तो वो उसका वेट कम है, बहुत कम है, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल में, और वो जब कंबाइन करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके जब पॉलीमर बना देंगे तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, तो वो आ जाएगा मैक्रो में। ऐसे ही एक मोनोसैकेराइड है, उसका वजन वेट बहुत कम है, और बहुत सारे मोनोसैकेराइड जब कंबाइन करके पॉलीमर बना देंगे, पॉलीसैकेराइड बना देंगे, तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, तो वो आ जाएगा मैक्रो में। और लिपिड पे यहां पे स्टार लगा लेना, क्यों लगा लेना है वो हम आगे करेंगे, है ना। बस इतनी बात याद रखना कि लिपिड जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है ना। अब देखो ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है कि जिसके बेस पे हमने डिवीजन की बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। देखो हमने एक लिविंग टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लीवर था, और हमने उस लीवर में से छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है। हमने एक लिविंग टिश्यू लिया और उस लिविंग टिश्यू के अंदर हमने क्या डाल दिया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। हमने फॉर एग्जाम्पल लीवर से एक लिविंग टिश्यू, छोटा सा लिविंग टिश्यू ले लिया, और उस लिविंग टिश्यू के अंदर हमने डाल दिया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको कूट दिया। वो आपने देखा है घर में कि वो चटनी बनाते हैं या वो चाय में अदरक डालते हैं ना कूट के, वो वाला, उसमें कूट दिया, ठीक है। अब इनको कूटने के बाद क्या बन जाएगा, एक पेस्ट सी बन जाएगी ना, एक चटनी सी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, थिक स्लरी सी बन जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। आपने वो देखा है पनीर बनाते हैं, जब पनीर वाला वो चीज क्लॉथ होता है उसमें से पनीर छानते हैं ना, छानते हैं वो चीज क्लॉथ, आपने देखा होगा, हम उसमें से इसको फिल्टर कर देंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हम फिल्टर करेंगे तो सिंपल सी बात है कुछ पार्ट ऐसा होगा, है ना, ये हमारे पास जो भी बना इसका कुछ पार्ट ऐसा होगा जो फिल्टर हो जाएगा, और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो फिल्टर नहीं होगा, मतलब अपने पास वो कपड़े में रह जाएगा और कुछ पार्ट नीचे फिल्टर हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो लिविंग टिश्यू का, मैं रिपीट करने जा रहा हूं, लिविंग टिश्यू का ऐसा पार्ट जो एसिड में सॉल्यूबल हो गया वो नीचे फिल्टर हो जाएगा। मैं फिर से बोलने जा रहा हूं, लिविंग टिश्यू का ऐसा पार्ट जो एसिड में, जो एसिड में सॉल्यूबल हो गया वो एसिड के साथ साथ नीचे फिल्टर कर जाएगा, उसको बोल देंगे हम फिल्ट्रेट, है ना, फिल्ट्रेट और एसिड सॉल्यूबल पूल, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या बचा, जो फिल्टर नहीं हुआ, मतलब नॉन फिल्ट्रेट या रिटेंटेट, रिटेंटेट मतलब जो अपने वो कपड़े में रिटेंट हो गया, मतलब बोलते हैं ना रिटेंशन, मतलब वहीं पर रह गया, और इसको क्या बोल देंगे, एसिड इनसॉल्यूबल पूल,
सॉल्युबल है ना, ये सॉल्युबल है तो ये इनसॉल्युबल फ्लूइड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो एसिड में सॉल्युबल हो गया और फिल्टर भी होगा तो जाहिर सी बात है वो पक्का साइज में छोटा रहा होगा, वो पक्का साइज में छोटा रहा होगा इसलिए तो वो फिल्टर हो गया है ना, उसको बोलते हैं हमने बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो साइज में यानी वेट में या साइज में कुछ भी बोल लो, जो बड़ा होगा वो फिल्टर नहीं हो पाया, उसको हमने बोल दिया बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि लिपिड पे एक छोटा सा स्टार लगा लेना, अब ये स्टार क्यों लगाया, देखो लिपिड का जो वेट होता है ना वो 800 डेल्टन से कम होता है, लिपिड का वेट 800 डेल्टन से कम होता है, तो टेक्निकली लिपिड कहाँ पे आना चाहिए था, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आना चाहिए था, बट आया कहाँ पे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ऐसा क्यों हुआ, देखो जब हमने यहाँ पे इसको फिल्टर किया ना तो जो लिपिड है ना, जो लिपिड है वो फिल्टर नहीं हो पाया, मतलब वो रिटेंटेट में अपने को मिला, ठीक है। तो वेट के हिसाब से तो हमें लिपिड कहां मिलना चाहिए था, फिल्ट्रेट में मिलना चाहिए था, बट मिला कहां पे, हमें वो रिटेंटेट में मिला, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिला, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन पूछना चाहिए आपको, तो मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं कि लिपिड जो होते हैं वो नॉन सॉल्युबल वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, लिपिड जो होते हैं वो नॉन सॉल्युबल वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसीलिए वो 800 डाल्टन से कम वेट होते हुए भी कहां पे आएंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि वो नॉन सॉल्युबल वेसिकल की वजह से यहां पे फिल्टर नहीं हो पाए, है ना, वो किस में मिले हमें, नॉन फिल्ट्रेट में मिले, फिल्टर हो ही नहीं पाए, सिंपल सी बात है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि झूठा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन है, या ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन स्ट्रिक्ट मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसका आंसर जाएगा क्या, लिपिड जाएगा, एक एक बात अपनी क्लियर है यहां पे। अब नेक्स्ट देखो, एक ऐश एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, ये किस लिए होता है, सिंपल सी बात है, हमें किसी भी लिविंग टिश्यू में पता लगाना है कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और कितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हमने एक लिविंग टिश्यू लिया, फॉर एग्जांपल हमने एक पेड़ का पत्ता ले लिया है ना, लीफ ले ली, एक पेड़ का पत्ता ले लिया। अब हमने क्या किया, उसके पानी को सुखा दिया है ना, उसको धूप में रख दो कई दिनों तक, तो क्या होगा, उसका सारा पानी उड़ जाएगा है ना, सारा पानी मतलब वेट वेट, जो गीला वेट था उसका उड़ गया, तो अब में क्या बचा, सिर्फ ड्राई वेट बचा है ना, हमारे पास क्या बचा, ड्राई टिश्यू बच गया अब, ठीक है। तो हमने क्या किया, ड्राई टिश्यू में हमने क्या किया, आग लगा दी है ना, ड्राई टिश्यू को हमने जला दिया। अब जलाने से क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे यानी कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो CO2 के फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। हम अगर सूखे पत्ते को जलाएंगे तो क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो धुएं के रूप में, बोल लो है ना, CO2 के रूप में, वाटर वेपर्स के रूप में निकल जाएंगे। तो बचेगा क्या, देखो यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल गए, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको ऐश भी बोल लो आप, बोलते हैं ना राख, जिसको बोलते हैं ऐश, उसमें क्या बच गए, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लिविंग टिश्यू था सबसे पहले, उसमें से हमने पानी निकाल दिया, पानी निकालने के बाद सिर्फ उसका ड्राई वेट, ड्राई टिश्यू बच गया। अब ड्राई टिश्यू को हमने आग लगा दी, जला दिया, तो जलाने से क्या होगा, जो भी कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो CO2 वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएंगे, और बचेंगे क्या, ऑर्गेनिक निकल गए तो बचे क्या, इनऑर्गेनिक ही बचे, इनऑर्गेनिक किसकी फॉर्म में बचे, ऐश यानी राख की फॉर्म में। अब हमें पता चल गया कि इसमें कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो जो जैसे जैसे NCERT में दिया हुआ है वैसे वैसे बताऊंगा पूरा, ठीक है, NCERT कॉपी पेस्ट होगी पूरी, ठीक है। देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहाँ पे होते हैं, इन एनिमल टिश्यू, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहाँ पे, प्लांट्स में, फंगस में, माइक्रोब्स में, ठीक है। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन क्या होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। देखो नाम से ही इसको थोड़ा रिलेट करना कि प्राइमरी है तो बॉडी के प्राइमरी फंक्शन में इन्वॉल्व होगा, जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डायरेक्ट ग्रोथ हो गई बॉडी की, डेवलपमेंट हो गई, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में एक अलग से लाइन NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका रोल खास पता नहीं है हमें ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स असल में करते क्या है, इनका रीजन क्या है बनने का, खास किसी को पता नहीं है, बट ये हमें कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे रबड़ होगी, ड्रग्स हो गए, स्पाइसिस हो गए, सेंट्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, ठीक है। NCERT में जो भी टेबल्स दी हुई हैं उनकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, उनकी ट्रिक्स इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी।
अब हम करने वाले हैं प्रोटीन्स है, ठीक है। देखो एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। तो हम बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री का भी बायोलॉजी का भी एक ही वीडियो के थ्रू टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होता है? पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलजुल के जब एक पॉलीमर बना देते हैं उसको बोलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। अब इन अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, अमीनो मतलब इसमें क्या होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, एसिड मतलब इसमें एक एसिड ग्रुप होगा, COOH ग्रुप होगा। सिंपल सी बात है ना, नाम से ही कवर हो रहा है, अमीनो मतलब इसमें एक अमीन ग्रुप होगा और एक एसिड ग्रुप होगा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखते हैं एक अमीनो एसिड की। देखो ये एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है, तो हमने बात की कि अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होगा, ये रहा अमीनो ग्रुप, और एक क्या होगा, एसिड ग्रुप होगा, ये रहा एसिड ग्रुप। ये कार्बन है, एक अमीनो ग्रुप, एक एसिड ग्रुप, और एक इस पे होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, एसिड ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ये चीजें, ये तीन चीजें क्या रहेंगी, सारे अमीनो एसिड में कॉन्स्टेंट रहेंगी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक हाइड्रोजन, एक एसिड ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप, सारे के सारे जितने भी टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं हमारे पास, उन सब में ये तीन चीजें कॉमन रहेंगी। जो वेरिएबल चीज होगी वो होगी ये वाली R। अब ये R कुछ भी हो सकता है ना, और इसी R के बेस पे हमने अमीनो एसिड को 20 पार्ट में डिवाइड किया है ना। फॉर एग्जांपल R, ये किसी में हाइड्रोजन है तो वो अलग अमीनो एसिड हो गया, किसी में मिथाइल ग्रुप है तो वो अलग अमीनो एसिड हो गया, किसी में इथाइल ग्रुप है वो अलग अमीनो एसिड हो गया, है ना। तो इसी के बेस पे, ठीक है। अब एक और चीज लिखी हुई है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। अब इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, है ना। अगर ये कार्बन के अराउंड चारों जगह पे क्या लगे होते, हाइड्रोजन लगे होते तो क्या हो जाता, हाइड्रोजन लगे होते तो क्या हो जाता, वो मीथेन हो जाता, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन हटा हटा के, उन हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन कर करके हमने ये ग्रुप लगा दिया, तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिक सी बात है कि अमीनो एसिड क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, है ना। यहां पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर करके हमने अलग अलग ग्रुप लगा दिए, ठीक है। अब एक चीज आती है ज्विटर आयन, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या पंगा है। देखो हमने ये स्ट्रक्चर अभी की, देखो ये अपना क्या था, एसिड ग्रुप था, है ना। ये अपना क्या था, एसिड ग्रुप था, तो एसिड का काम क्या होता है, एच प्लस देना, ठीक है। ये सिंपली क्या करेगा, इस एच प्लस को देगा, इस एच प्लस को रिलीज करेगा, तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर अगर इस एच प्लस को, जो यहां से एच प्लस ये रिलीज होगा, अगर इसको ये एनएच टू ग्रुप कैच कर ले, एनएच टू ग्रुप इसको कैच कर ले, तो एच प्लस आया तो यहां पे कैसा हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, ज्विटर आयन, ठीक है। तो यहां से H प्लस निकला तो यहां पे नेगेटिव, और इसने इसको कैच कर लिया तो यहां पे पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। ये सिंपल सी बात है, ज्विटर आयन। अब नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो हमें एक सिंपल सी बात पता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का लेना देना किसके साथ होता है, काइरल कार्बन के साथ, ठीक है। अब ये काइरल कार्बन क्या होता है, देखो अमीनो एसिड की हम ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, कार्बन है, और कार्बन से ये चार ग्रुप अटैच है, तो काइरल कार्बन क्या होता है, देखो अगर ये चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हो तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, काइरल कार्बन, और काइरल कार्बन अगर हो तो अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी कि अमीनो एसिड की केस में कि ये तीन जो ग्रुप हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे एसिड ग्रुप, यहां पे अमीनो ग्रुप, तो ये तो अलग अलग होंगे ही होंगे, ठीक है। बात करते हैं अब इसकी, ठीक है। तो हमने बात की थी कि ग्लाइसिन के केस में यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, तो ग्लाइसिन कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड हैं सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सब में क्या होता है, काइरल कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव जो अपने अमीनो एसिड होते हैं वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। इसके बारे में इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कि अभी आपको इतना नहीं पूछा जाएगा, डी फॉर्म क्या होती है, एल फॉर्म क्या होती है। बस इतना याद रखो कि ऑप्टिकली एक्टिव सारे
अमीनो एसिड होते हैं ग्लाइसिन को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। अब नेक्स्ट देखो, अमीनो एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये तो बिल्कुल नाम से ही पता लग रहा है, एसेंशियल मतलब हमें वो चाहिए, मतलब हमें वो बाहर से चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमें कोई अमीनो एसिड अगर बाहर से चाहिए तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है हमारी बॉडी उस चीज़ को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, ठीक है। और नॉन एसेंशियल मतलब हमें बाहर से नहीं चाहिए, मतलब हमारी बॉडी उसको बना सकती है, हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना आपके लिए, ठीक है। तो मैं इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। तो अब हम करने वाले हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने की ट्रिक। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, एक लव स्टोरी है, और लव स्टोरी किसकी, अर्जुन और लूसी की, अर्जुन और लूसी की लव स्टोरी है। और जो अर्जुन है ना वो बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम है एक लड़का जिसका नाम अर्जुन है, और उसकी हम लव स्टोरी देख रहे हैं किसके साथ, लूसी के साथ, ठीक है। देखो अर्जुन जो है वो लूसी से बहुत दिनों से बात करने के लिए ट्राई कर रहा था, बट बात कर नहीं पा रहा था, डर जाता था, है ना। पर क्या हुआ, उसने वैलेंटाइंस डे के दिन क्या किया, फाइनली उसने ट्राई किया लूसी से मिलने के लिए, ठीक है। बहुत दिन से बेचारा बात करना चाह रहा था पर थोड़ा सा डर जाता था, पर वैलेंटाइंस डे के दिन उसने क्या किया, कितने बजे, 3 से 9, है ना, टाइम भी स्पेसिफिक है कि 3 से 9, वैलेंटाइंस डे के दिन 3 से 9 बजे के बीच में हैंडसम अर्जुन ने फाइनली लूसी से मिलने का ट्राई किया, ठीक है। देखो फाइनली हैंडसम अर्जुन ट्राइड टू मेट लूसी फ्रॉम 3 to 9 ऑन वैलेंटाइंस डे, ठीक है। फाइनली हैंडसम अर्जुन ट्राइड टू मेट लूसी, है ना, लूसी से मिलने का फाइनली ट्राई किया, और कब किया, 3 से 9, है ना, मतलब 3 से 9 बजे के बीच में, और कब किया, वैलेंटाइंस डे को किया, ठीक है। फाइनली से फिनाइल एनालिन और हैंडसम में हिस्टिडिन, अर्जुन से अर्जुनिन, ट्राइड से ट्रिप्टोफेन, मेट से मिथियोनिन, लूसी से हमारे पास 3 बन जाएंगे, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड लाइसिन, और 3 to 9 से 309 और वैलेंटाइन से वलाइन, ठीक है। फाइनली से फिनाइल एनालिन, हैंडसम से हिस्टिडिन, अर्जुन से अर्जुनिन, ट्राइड से ट्रिप्टोफेन, मेट से मिथियोनिन, ल्यूसी से ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, 3 to 9 से 309, वैलेंटाइन से वलाइन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फाइनली हैंडसम अर्जुन ने ट्राई किया किससे मिलने का, लूसी से मिलने का, कब, 3 से 9 बजे के बीच, कब, वैलेंटाइंस डे के दिन। नेक्स्ट है, देखो अमीनो एसिड एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। देखो इसमें कुछ भी याद नहीं करना, कॉमन सेंस की बात है। हमने अमीनो एसिड की ये वाली स्ट्रक्चर की थी कि ये इसमें क्या है, एसिडिक ग्रुप है, ये क्या है, इसमें अमीनो यानी बेसिक ग्रुप है, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो किसी अमीनो एसिड में अगर ये वाले एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो जाए तो सिंपल सी बात है वो हो जाएगा एसिडिक, है ना, एसिडिक ग्रुप जिसमें ज़्यादा हो, और बेसिक जिसमें ये वाले बेसिक ग्रुप जिसमें ज्यादा हो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड। और न्यूट्रल मतलब जिसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप बिल्कुल इक्वल हो। तो एसिडिक का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का है लाइसिन, और न्यूट्रल का है वलाइन। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। देखो इसकी मैं सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। देखो एरोमेटिक क्या होता है, मतलब रिंग वाले कंपाउंड, रिंग वाले, है ना, रिंग मतलब गोल 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 गोल, और गोल गोल क्या होते हैं, रिंग शेप क्या होते हैं, टायर होते हैं, टायर, ठीक है। तो टी वाई आर ये हो गया टायर, और टी वाई आर ये भी हो गया टायर। तो टायर वाले टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन और फिनाइल, इसमें तो ग्रुप ही आ रहा है फिनाइल ग्रुप, है ना। फिनाइल ग्रुप कैसा होता है, बेंजीन रिंग जैसा होता है, तो ये तो रिंग शेप हो गया, एरोमेटिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनते हैं, कि अमीनो एसिड मिलजुल के प्रोटीन को कैसे बनाते हैं। देखो ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, और ये दूसरा अमीनो एसिड है ना। अब इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो सिंपल सी बात है, कार्बन ये कार्बन है, ठीक है, NH2 ग्रुप ये NH2 ग्रुप है, ये क्या है COOH ग्रुप, ये COOH ग्रुप, ठीक है, और एक हाइड्रोजन और दूसरा ये R ग्रुप भी इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और इसमें देखते हैं, देखो कार्बन ये वाला कार्बन, ठीक है, और कार्बन से क्या है, ये एसिड ग्रुप, ये अपना क्या आ गया NH2, ये ना NH2, ये अपना ये वाला ग्रुप NH2 ग्रुप, और ये अपना क्या है हाइड्रोजन, और इसमें R क्या है, इसमें CH3 है। तो ये भी एक अमीनो एसिड, ये भी एक अमीनो
अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो सिंपल क्या करना है, इनको पास में लाना है, है ना, इसका एसिडिक ग्रुप और इसका बेसिक ग्रुप, इसको पास में लाना है और बीच में से क्या निकाल देना, वाटर पानी निकाल देना। ठीक है, वाटर पानी निकाल देना, और जैसे ठीक है ये वाटर निकाल के जैसे भी जो भी बॉन्ड बने ऐसे का ऐसे दोनों को चिपका दो। ठीक है, देखो यहां से ये पानी निकला और इन दोनों के बीच यहां एक सिंगल बॉन्ड ऐसे हमने बना दिया, तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड, डाई मतलब दो, मतलब ये जो डाईपेप्टाइड है ये जो बना ये दो अमीनो एसिड से मिलके बना है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया डाईपेप्टाइड। अगर तीन अमीनो एसिड से मिलके कुछ बनता तो हो जाता ट्राईपेप्टाइड, अगर चार से मिलके बनता तो हो जाता टेट्रापेप्टाइड, अगर बहुत सारे मतलब पॉली मैनी, है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बनता तो हो जाता क्या, पॉलीपेप्टाइड। आपने सुना भी होगा नाम पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो अमीनो एसिड से मिलके बना डाईपेप्टाइड, तीन से ट्राईपेप्टाइड, चार से टेट्रापेप्टाइड और बहुत सारे से मिलके बना तो हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बन रहा है, पेप्टाइड, है ना, पेप्टाइड पेप्टाइड पेप्टाइड। तो सिंपल सी बात है, ये जो लिंकेज हुई ना, ये पानी को निकल के यहां पे जो लिंकेज हुई, इसी को बोलते हैं हम क्या, पेप्टाइड लिंकेज, है ना। 5 स्टार 10 स्टार लगा लो कि प्रोटीन जब बनता है कि अमीनो एसिड से मिलके जब प्रोटीन बनता है तो कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज होती है। और उसी के बेस पे हम इनको बोल रहे हैं कि डाईपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब मैं प्रोटीन की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। ठीक है, और ये कहां पे दी हुई है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने पॉलीपेप्टाइड देख लिए क्या होते हैं, कि बहुत सारे अमीनो एसिड जब पॉलीमर बना दे तो क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड हो। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे थे, 2 3 4 मैनी, मतलब 100 से ज्यादा अमीनो एसिड जब मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाए, प्लस उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो। ठीक है, प्लस उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो, उसको बोल देंगे प्रोटीन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड हो और क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो, तो उसको क्या बोल देंगे हम, प्रोटीन। अब देखो इसका वेट कितना है, 10,000 डाल्टन से ज्यादा, तो अब याद करो ये किसमें आएगा, मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में। ठीक है, बट यहां पे केमिस्ट्री की ही एनसीईआरटी में एक एक्सेप्शन दी हुई है कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो प्रोटीन होता है ना, उसमें क्या है, ओनली 51 अमीनो एसिड होते हैं। देखो हमने डेफिनेशन की कि प्रोटीन के लिए मिनिमम 100 अमीनो एसिड होने चाहिए, बट इंसुलिन एक एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 51 अमीनो एसिड है। और ये कहां पे दी हुई, अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दी हुई है। अब नेक्स्ट एक वर्ड आता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, नाम से ही पता लग रहा है, डीनेचुरेशन मतलब कोई भी चीज अपनी नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट थी, अगर हम उसमें कुछ बदलाव ला दें, मतलब उसको अबनॉर्मल कर दें कुछ भी करके, उसको हाई टेम्परेचर देके या लो टेम्परेचर देके या एसिडिक कंडीशन देके या बेसिक कंडीशन देके उसको अपनी नॉर्मल फॉर्म से हम हटा दें, कुछ गड़बड़ी ला दें, तो यही हो जाएगा डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होगा, सिंपल सी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं बायो और दोनों की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, दोनों की एनसीईआरटी, ताकि आपके दो चैप्टर कवर हो जाएं। ठीक है, देखो अगर प्रोटीन व्हेन प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल और केमिकल चेंजेस, मतलब हमने प्रोटीन को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया या बहुत कम टेम्परेचर दे दिया या बहुत एसिडिक पीएच दे दी या बेसिक पीएच दे दी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे उसके हाइड्रोजन, प्रोटीन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना, जो ग्लोब्यूल्स है वो अनफोल्ड हो जाएंगे, जो प्रोटीन की हेलिक्स है वो अनकॉइल्ड हो जाएगी, है ना, ये सब चेंजेस आने लग जाएंगे, है ना। जैसे अपने घर में भी देखा होगा, मान लो आप दाल बनाते हो, है ना, दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो दाल को आप बार बार गर्म करते रहो, तो उससे क्या होगा, उसके प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, उसका टेस्ट अजीब सा हो जाएगा, ना ही वो आपको फायदा करेगी। ठीक है, अब ये देखो अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एनिमल्स के केस में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन होता है, और प्लांट्स के केस में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, रूबिस्को, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, प्रोटीन दो टाइप के हो सकते हैं, फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं दोनों एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं, जैसे कि ये भी अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बायो की में इतना ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, देखो
प्रोटीन दो टाइप के, फाइबरस एंड ग्लोबुलर। अब नाम से पता लग रहा है फाइबरस मतलब इसमें फाइबर जैसे है, मतलब इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे के पैरेलल भाग रही है, एक दूसरे के पैरेलल भाग रही है, ठीक है, फाइबर जैसे दिख रहे हैं ना, तो इसलिए हो गया फाइबरस। और नाम से पता लग रहा है ग्लोबुलर है ना, ग्लोबुलर मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कॉयल है, एक दूसरे ऐसे कॉयल करती जा रही है, कॉयल करती जा रही है, कॉयल करती जा रही है ना, ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबुलर। अब जो फाइबरस प्रोटीन होते हैं वो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल और ग्लोबुलर वाटर सॉल्युबल। और इसके एग्जांपल क्या है, केराटिन, मायोसिन, और इसके क्या है, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, इनको बिल्कुल भी याद मत करना। देखो केराटिन क्या होता है, अपने हेयर्स में, बालों में होता है, तो बाल कैसे होते हैं आप देखो, ऐसे ही तो होते हैं फाइबरस जैसे, है ना, इसको ऐसे याद कर लेना कि फाइबरस होते हैं बाल, अपने ऐसे पैरेलल भागते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और अब मायोसिन आपने किया होगा, मायोसिन अपनी मसल्स में आता है, तो वो भी फाइबरस ऐसे ही होते हैं ना, ग्लोबुलर तो वहां पे स्ट्रक्चर होती नहीं है ना, मायोसिन आपने देखा भी है कि ऐसे सीधा सीधा सही होता है, ठीक है, तो इसमें इतना कुछ याद करने का नहीं था। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चार टाइप की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ठीक है, तो इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है, बहुत सिंपल है। प्राइमरी होगी सबसे सिंपल, उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, सेकेंडरी उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, टर्शरी उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्वार्टनरी, है ना। देखो प्राइमरी तो बिल्कुल सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल, ऐसे एक लाइन सी है, ठीक है, और सेकेंडरी में थोड़े से ट्विस्ट आ जाएंगे कि ये या तो हेलिकल हो जाएगी, ऐसे प्लेट, बीटा प्लेटेड शीट हो जाएगी, और टर्शरी क्या होता है थोड़ा सा और क्या है, फर्दर फोल्डिंग्स हो जाती है, फर्दर फोल्डिंग होगी कि जैसे सेकेंडरी थी उसमें फर्दर फोल्डिंग्स होगी तो टर्शरी बन जाएगी, इसमें 3D स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं, ठीक है। और ज्यादा अगर ये कॉइलिंग स्पेशल अरेंजमेंट हो जाए तो वो हो जाएगी क्वार्टनरी, ठीक है। अब देखो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि कैसे कैसे होते हैं, अब हम एक एक करके जो भी अपनी बायोलॉजी या केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको कवर करेंगे। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये सिंपल सी एक ऐसे सीधी लाइन सी है, ट्रेन की तरह पूरी, ठीक है, सिंपल सा है प्राइमरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप से हो सकती है, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड। देखो ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, ये ऐसे 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 हेलिक्स है, और बीटा प्लेटेड देखो ये ग्रीन ग्रीन कलर की क्या है, प्लेट है, और ये आपस में कनेक्टेड है, ये होगी बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और बीटा प्लेटेड में भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर, इस पे 20 स्टार लगा लेना, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो एंजाइम्स अपने होते हैं, एंजाइम्स की स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है, फर्दर फोल्डिंग ऑफ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मैं बोला था ना कि इसकी थोड़ी सी एडवांस, थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें ला दो ये बन जाएगी, और सेकेंडरी में फर्दर फोल्डिंग थोड़ा सा ट्विस्ट ला दो तो टर्शियरी बन जाएगी, तो फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसमें फोर्सेस या बॉन्ड्स बोल लो कौन से होते हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में सारे दिए हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, वैन डर वाल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये वर्ड याद रखना, ये जैसे जैसे वर्ड लिखे हुए एनसीईआरटी में ये वर्ड याद रखना कि 3D स्ट्रक्चर आ जाए, देखो 3 से याद रखना, 3 फॉर टर्शियरी, 3 फॉर 3D, 3D स्ट्रक्चर कहां पे बनती है, टर्शियरी में बनती है, याद रखना ये बात, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और होलो वूलन बोन है ना, ऊन, आपने देखा ना स्वेटर बनाते हैं बचपन में, मम्मी बनाती थी स्वेटर, तो जो ऊन की बॉल होती है, ऊन की, वूल की, है ना, बॉल होती है, तो ये कुछ वैसा सा दिखता है, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक। और लास्ट है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। देखो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक वर्ड आपको याद रखना है, स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट नाम आते ही क्या होगी, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, किसमें, क्वार्टनरी में, सिंपल सी बात है। और इसका एग्जांपल क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो, अल्फा चेन बीटा चेन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये एक एनसीईआरटी में टेबल सी दी हुई है, ठीक है, ये कुछ प्रोटीन्स है, ये उनके फंक्शन है, कुछ भी याद नहीं करना, ऑटोमेटिक है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। कोलेजन है, हमने टिश्यू वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं कि इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन क्या होता है, डाइजेशन वाले चैप्टर में करते हैं ना, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, एंजाइम होता है। और इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और एंटीबॉडी भी कॉमन सेंस है, फाइट इंफेक्शियस, मतलब डिजीज के साथ फाइट करेगी एंटीबॉडी, कॉमन सेंस की बात है। और रिसेप्टर कहां होंगे, रिसेप्टर भी कॉमन सेंस है, कहां होंगे, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, ये रिसेप्टर होता है ना। और ये GLUT4 क्या है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। देखो ग्लूट, ग्लू से याद कर लेना, ग्लूकोज, ग्लू से ग्लूकोज, है ना, सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखो मैं एक बात फिर से रिपीट कर दूं कि मैंने इस वीडियो में जो भी कंटेंट तैयार किया है वो बायो की एनसीईआरटी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी दोनों को मिला के किया, तो ऐसे मत करना कि ये यहां पे नहीं था ये यहां पे नहीं था, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों की एनसीईआरटी पूरी कवर हो रही है, ठीक है। अपने दो चैप्टर कवर हो रहे हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने किस किस बेसिस पे डिवाइड किया, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने किस किस बेसिस पे डिवाइड किया, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे और रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे। देखो मैं इस तरीके से कराऊंगा, आपकी जो भी आज तक कंफ्यूजन होती थी सारी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, अब हम एक एक करके बात करेंगे कि हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे कैसे किया, टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कैसे किया और रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे कैसे किया। तो सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस तीन टाइप के हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज नहीं होते वो क्या हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज होते हैं किसमें, 2 to 10 units, 2 से 10 यूनिट में जो हाइड्रोलाइज होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड, और जो मैनी यूनिट्स बहुत सारी यूनिट्स में जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वो हो जाएंगे अपने पॉलीसैकेराइड। तो सिंपल सी बात है, मोनोसैकेराइड क्या है, हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, और जो 2 से 10 यूनिट्स में हाइड्रोलाइज होंगे ओलिगोसैकेराइड, और जो बहुत सारी यूनिट्स में हाइड्रोलाइज होंगे वो हो जाएंगे अपने पॉलीसैकेराइड। बिल्कुल क्लियर है, अपना हाइड्रोलिसिस वाला क्लियर है। अब हम चलते हैं टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया, शुगर एंड नॉन शुगर। नाम से ही पता लग रहा है, शुगर मतलब ये क्या होंगे, स्वीट इन टेस्ट होंगे, और शुगर चीनी क्या होती है, पानी में सॉल्युबल होती है, तो सॉल्युबल इन वाटर होंगे, स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर। और नॉन शुगर क्या है, स्वीट नहीं होंगे, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, और सॉल्युबल भी नहीं होंगे। और शुगर में क्या क्या आता है, मोनोसैकेराइड्स आते हैं अपने, और क्या आते हैं, डायसैकेराइड्स आते हैं, और नॉन शुगर में क्या है, सारे पॉलीसैकेराइड्स आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अब क्या है, अपना टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी वाला भी हो चुका है, अब हम चलते हैं रिड्यूसिंग नेचर वाले पे, ठीक है। देखो सारी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी बेसिक तरीके से। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया कि कौन से रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। अब नाम से पता लग रहा है, रिड्यूसिंग मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलन एंड फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर दें वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन एंड फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस ना कर पाए, कैन नॉट रिड्यूस टॉलन एंड फेलिंग, वो हो जाएंगे नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। अब रिड्यूसिंग में क्या है, सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो सुक्रोज है वो है नॉन रिड्यूसिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज है वो है नॉन रिड्यूसिंग, बाकी कैसे हैं, सारे रिड्यूसिंग है, बाकी सारे रिड्यूसिंग है, ठीक है। अब देखो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में चाहे वो बायोलॉजी का हो या केमिस्ट्री का हो, अपना मेन देन किसके साथ होता है, इनके साथ होता है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस डिवीजन के साथ अपना मेन लेन देन है, ठीक है। तो इनको बारी बारी से करते हैं, पहले मोनोसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड्स में अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएंगे, एल्डोज हो जाएंगे, और अगर मोनोसैकेराइड्स में कीटोन ग्रुप हो तो क्या हो जाएंगे, कीटोज हो जाएंगे। और एल्डोज, एल्डोज के एग्जांपल क्या, एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, और कीटोज के एरिथ्रुलोज, राइबुलोज, फ्रक्टोज। देखो इन जनरल क्या रूल होता है कि एल्डिहाइड वाले में क्या होता है, एल्डोज वालों में क्या होता है, जो सफिक्स होता है वो ओ एस ई ओज होता है। देखो ओ एस ई ओज, ओज, और इधर भी ओज आ रहा है, ठीक है। और कीटोन वाल में क्या होता है, उलोज होता है, जैसे इरिथ्रुलोज, राइबुलोज, है ना। इन जनरल बात की है ना मैंने, बोला है कि मैक्सिमम केस में, इसलिए फ्रक्टोज में नहीं होता, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट है डायसैकेराइड, ठीक है। ये हमारे पास कौन से है, माल्टोस है, लैक्टोस है, सुक्रोज है, ठीक है। माल्टोस किससे मिलकर बना है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, ओनली अल्फा ग्लूकोज से। और लैक्टोस किससे मिलकर बना है, बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। और सुक्रोज किससे, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से। अब हम करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ने से पहले एक बात याद करो, हमने क्या बात की थी कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। देखो पॉलीसैकेराइड अब दो टाइप के हो सकते हैं, होमो पॉलीसैकेराइड या हेटेरो पॉलीसैकेराइड। होमो नाम से ही पता लग रहा है, सेम सेम सेम, जिसमें जो अपनी यूनिट्स होंगी वो सारी सेम होंगी, और हेटेरो में क्या है, डिफरेंट, नाम से हो रहा है। और होमो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोज,
ग्लाइकोजन, काइटिन, एल्यूनिन, डेक्सट्रिन। और हेटेरो के क्या है? हायलुरोनिक एसिड, पेक्टिन, हेपेरिन, हेमीसेलुलोज, है ना। अब यहाँ पे मैंने 3 स्टार लगाए हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें थोड़े डिटेल में पढ़ना है, कौन से सेलुलोज, स्टार्च और क्या है अपना ग्लाइकोजन, ठीक है। इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्च। देखो स्टार्च किससे मिलके बना होता है? अमाइलोज से और अमाइलोपेक्टिन से। स्टार्च मिलके बना होता है किससे? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन से। जो अमाइलोज होता है वो स्टार्च का कितनी परसेंट बनाता है? 15-20% स्टार्च की फॉर्मेशन करता है अमाइलोज, मतलब इसकी हिस्सेदारी बोल सकते हो। और स्टार्च के अंदर अमाइलोपेक्टिन की कितनी हिस्सेदारी है? 85%, ठीक है। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, अमाइलोज जो होता है वो अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है, अनब्रांच्ड, और अमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच्ड पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 स्टार लगा लेना। अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड है और अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड है, और दोनों किससे मिलके बने? अल्फा ग्लूकोस, अल्फा ग्लूकोस, ये तो सिंपल है ना, ग्लूकोस ग्लूकोस से मिलके बने, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? ग्लाइकोजन करने वाले हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है? एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम क्या बोल सकते हैं? एनिमल स्टार्च बोल सकते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होते हैं? अमाइलोपेक्टिन के, अमाइलोपेक्टिन के, मतलब ग्लाइकोजन भी क्या होगा? ब्रांच्ड पॉलीमर होगा, किसका? अल्फा ग्लूकोस का, बिल्कुल सिंपल। और कहां पे प्रेजेंट होता है? लीवर, मसल, ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलोज। देखो सेलुलोज के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि सेलुलोज प्लांट्स की सेलवॉल में प्रेजेंट होता है। सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है कि प्लांट्स की जो सेलवॉल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो पहला पॉइंट आ गया, प्लांट्स में होता है तो प्लांट्स की सेलवॉल में होता है तो प्लांट्स में तो होगा ही होगा। और क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट। तो सिंपल सी बात है, अगर सेलुलोज हर प्लांट की सेल की प्रेजेंट है, ठीक है, हर प्लांट की सेलवॉल में प्रेजेंट है तो मतलब सेल में भी प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है वो मोस्ट अबंडेंट भी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है, बीटा ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये बहुत सारी कन्फ्यूजन बन गई, हम इनको यहाँ पे एक जगह पे कंबाइन कर लेते हैं कि माल्टोस में क्या है? ओनली अल्फा ग्लूकोस, लैक्टोस में क्या? बीटा ग्लूकोस प्लस बीटा गैलेक्टोज, सुक्रोस में क्या है? अल्फा ग्लूकोस प्लस बीटा फ्रक्टोज, सेलुलोज में ओनली बीटा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन में बीटा ग्लूकोज ओनली, है ना। और स्टार्च में क्या है? अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज में क्या थे? ओनली अल्फा ग्लूकोज, और अमाइलोपेक्टिन में भी ओनली अल्फा ग्लूकोज। अब देखो एक ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, और सेल्यूलोज आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं देता, ठीक है। इसकी आप सिंपल सी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो कि SBI, है ना, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, एस से स्टार्च, बी से ब्लू, आई से आयोडीन, और सेल्यूलोज कोई भी कलर नहीं देता, ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा है, अगर आपको याद रखना है तो रख लेना, बाकी इसकी इतनी जरूरत नहीं है, पर कुछ इसमें से पूछे जा सकते हैं कभी कभी, ठीक है। स्वीटेस्ट शुगर फ्रक्टोज, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज, ब्लड शुगर ग्लूकोज, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज, केन शुगर सुक्रोज, टेबल शुगर सुक्रोज, मिल्क शुगर लैक्टोज। अब थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं लिपिड्स के बारे में, ठीक है। देखो लिपिड्स किससे बने होते हैं? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से, ठीक है। देखो ये हमारे पास है ग्लिसरॉल, सिंपल सा है, कार्बन कार्बन कार्बन, OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप, ये हमारे पास है ग्लिसरॉल, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर एक फैटी एसिड अटैच हो तो क्या हो जाएगा? मोनोग्लिसराइड। एक फैटी एसिड है तो हो जाएगा मोनो मोनोग्लिसराइड, ठीक है। और दो फैटी एसिड है तो क्या हो जाएगा? डायग्लिसराइड। और तीन फैटी एसिड अटैच है तो क्या हो जाएगा? ट्राइग्लिसराइड, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड किस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो ये होता है फैटी एसिड, ये होता है फैटी एसिड। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे कार्बन, देखो बहुत सारे कार्बन, देखो एन मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कार्बन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फैटी एसिड क्या होता है? देखो एसिड हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो याद आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। और ये फैटी मतलब बहुत सारे, ऐसे याद रख लेना, फैटी मतलब मोटा, मतलब बहुत सारे कार्बन प्लस ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। अब ये N, अब ये N कितना भी हो सकता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल दिए हुए हैं कि N, अगर ये N14 हो तो कौन सा फैटी एसिड हो जाएगा? पामिटिक एसिड, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पामिटिक एसिड में टोटल कार्बन कितने होंगे, तो 14 तो ये हो गए, 15 और 16 एनसीईआरटी में दिया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये एन कितना हो जाए, 18 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, इसमें टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 18 यहां पे हो गए और ये 19, ये 20। एरेकिडोनिक एसिड में टोटल कार्बन कितने, 20। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, फैटी एसिड जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, देखो अगर फैटी एसिड में डबल बॉन्ड अब्सेंट है तो हो जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, देखो फैट्स एंड ऑयल्स, देखो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, फैट्स क्या होते हैं, मान लो घी होता है, और ऑयल्स क्या होते हैं, सरसों का तेल, घी और सरसों का तेल। ठीक है, अब देखो फैट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, और ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। अब बिल्कुल भी इसको याद नहीं करना, सिंपली देखो, देखो सर्दियों में घी जो होता है वो बिल्कुल जम जाता है, बट ऑयल जो सरसों का तेल लगा लो, तेल होता है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है ना, सर्दियों में जो घी होता है वो जम जाता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है। ठीक है, और ऑयल का हायर मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए वो बिल्कुल वैसा ही रहता है, वो जमता नहीं है, कॉमन सेंस की बात। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एनसीईआरटी में बात की गई है कि कुछ लिपिड्स में क्या है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल नाम से हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड, लिपिड तो लिपिड और फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस, तो ऐसे लिपिड जिनमें फॉस्फोरस प्रेजेंट हो। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, लेसिथिन, लेसिथिन। और फॉस्फोलिपिड हमने सेल वाले चैप्टर में बात की थी, कहां पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर जो होती है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स। ठीक है, देखो एंजाइम्स के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कैटलिस्ट के ऊपर। देखो कैटलिस्ट क्या होता है, सिंपल सी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमको दूध से दही बनानी है, दूध से हमें दही बनानी है ना, तो हमें उसमें लगते हैं कितने, मान लो 10 घंटे लगते हैं हमें उसमें, है ना, प्रोसेस में बोलो या उस रिएक्शन में हमें लगते हैं 10 घंटे। ठीक है, पर हमने क्या किया, उसमें एक कैटलिस्ट डाल दिया, हमने उसमें एक कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट से क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, मतलब जो रिएक्शन की स्पीड थी, रिएक्शन की वेलोसिटी थी, वो इंक्रीज होगी। मतलब जो दूध से दही नॉर्मल कंडीशन में 10 घंटे में बन रही थी, वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फॉर एग्जांपल 20 मिनट में ही बन गई। ठीक है, तो कैटलिस्ट ने क्या किया, एक तरीके से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, एक कैटलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कैटलिस्ट की रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट बोल लो या इंटरफेरेंस बोल लो, बिल्कुल जीरो होती है ना। इसका क्या मतलब है, देखो हम 10 घंटे में जो दूध से दही बना रहे थे, जो नेचुरल तरीके से बना रहे थे, तो जिस टेस्ट की, जिस क्वालिटी की दही 10 घंटे में बन रही थी, कैटलिस्ट का यूज करने पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट की, वैसे ही क्वालिटी की दही बनेगी। मतलब दही के टेस्ट में कैटलिस्ट की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब उसमें इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, अब कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के हम यहां ज्यादा करने नहीं वाले क्योंकि वो तो अपने इनऑर्गेनिक और उसमें आ जाते हैं। ठीक, हमें बायोलॉजी के पढ़ने हैं, और बायोलॉजी के अंदर जो कैटलिस्ट यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंजाइम। सिंपल सी बात है, एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इतनी बातें बिल्कुल सिंपल सी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, एंजाइम पढ़ते हैं। देखो अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, बट कुछ एंजाइम कैसे होते हैं, न्यूक्लियर एसिड नेचर के होते हैं, और इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है क्या, राइबोसाइम। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है इसमें जो न्यूक्लियर एसिड से बने होते हैं, जैसे कि राइबोसाइम। ठीक है, अब देखो मैंने एंजाइम की डिवीजन पे ये एक ऐसा चार्ट तैयार किया जिससे आपकी एनसीईआरटी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। ठीक है, एक एक पॉइंट जो कंफ्यूजिंग था ना, सारा कवर हो जाएगा। देखो एंजाइम्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिंपल प्रोटीन एंजाइम एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम का ही दूसरा नाम क्या है, होलो एंजाइम। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नाम से ही कवर हो रहा है कि सिंपल प्रोटीन एंजाइम में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 100% प्रोटीन होगा, मतलब प्योर प्रोटीन 100%
100% प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होगा। और ये कॉम्प्लेक्स मतलब नाम से ही पता लग रहा है, इसमें प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। देखो हमने क्या बात की थी कि एंजाइम, जो ऑलमोस्ट सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं ना, ठीक बात है। ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन जो सारा प्रोटीन के मिलकर बनाओ, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या होलो एंजाइम जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या है, एक प्रोटीन पार्ट है और एक क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। अब यहां पे 20 स्टार 30 स्टार लगा लो, क्योंकि मेरे को अच्छे तरीके से पता है कि आप होलो एंजाइम, कोफैक्टर और एपो एंजाइम इनमें कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना, एक एक वर्ड क्लियर होना। ठीक है, अब नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो इनऑर्गेनिक होगा तो क्या हो जाएगा, मेटल आयंस। देखो मेटल के आयंस कहां पे होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ऑर्गेनिक जब होगा तो ऑर्गेनिक होने की भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो टाइटली बाउंडेड होगा या लूजली बाउंडेड होगा। टाइटली बाउंडेड होगा तो क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और लूजली बाउंडेड होगा तो क्या हो जाएगा, को एंजाइम्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इन सब में कंफ्यूज होते थे आज तक, मेरे को अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि मैं भी होता था। ये होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, को एंजाइम, है ना, ऐसा लगता है कि को एंजाइम यहां पे आना चाहिए, कोफैक्टर यहां पे आना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर रखना। देखो एंजाइम दो टाइप के, सिंपल प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना है, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या हेलो एंजाइम, मतलब जिसमें प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। प्रोटीन पार्ट का दूसरा नाम एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट का दूसरा नाम कोफैक्टर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक होने की दो पॉसिबिलिटी, या तो टाइटली बाउंडेड होगा जिसको बोल देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, या लूजली बाउंडेड होगा जिसको बोल देंगे को एंजाइम, और इनऑर्गेनिक होगा जब क्या बोल देंगे, मेटल आयंस। ठीक है, अब एनसीईआरटी की, अब यहां पे मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट करेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप है, देखो ये है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप के एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या दिया है, पर ऑक्सीडेज, कैटालेज एंड हीम। ठीक है, और को एंजाइम के एनसीईआरटी के क्या एग्जांपल है, एनएडी और एनएडीपी। ठीक है, और मेटल आयन के जिंक। अब देखो एंजाइम्स काम कैसे करते हैं ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखो हम जब प्रोटीन पढ़ रहे थे तो हमने प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर की बात की थी, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ये स्ट्रक्चर्स की बात की थी। तो आप एंजाइम्स में याद रखना कि मैक्सिमम एंजाइम्स में क्या होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखो हमने क्या बात की कि ऑलमोस्ट सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन के होते हैं तो इनमें भी तो स्ट्रक्चर होंगी वही प्रोटीन वाली, तो मैक्सिमम एंजाइम्स में क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये अपनी टर्शरी स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 चेन्स हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ऐसे ऐसे घूम रही है ना, एक तरह से ग्लोब्यूल बना रही है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे ऐसे घूमती है तो ये जगह जगह पर क्या बनती है, एक पॉकेट सी बना देती है, पॉकेट बना देती है। ठीक है, जैसे रेड कलर में, ये रेड कलर में, ये रेड कलर में, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट, इन्हीं को बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, अब एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर होगा बिना किसी कंफ्यूजन। देखो फॉर एग्जांपल ये अपना क्या है, सबस्ट्रेट है, ये है अपना सबस्ट्रेट, और इसको हमें क्या करना है, इसकी नेचुरल हमें रिएक्शन करानी है, और रिएक्शन के रिजल्ट में क्या है, इस सबस्ट्रेट के ये छोटे छोटे पीस हमें मिलने चाहिए, इस सबस्ट्रेट के ये छोटे छोटे पीस में टूटना, ये है अपनी रिएक्शन। ठीक है, तो अपने पास एक तो ऑप्शन है कि हम बिना एंजाइम के ये रिएक्शन होने, मतलब बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन होने दे, है ना, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, कभी तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा, है ना, कितना सारा टाइम लग जाएगा। और एक हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इस रिएक्शन में एंजाइम यानी कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं। तो होगा क्या, देखो अब देखो ये है अपना सबस्ट्रेट, ये है अपना एंजाइम, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर होगा, आप देखना। देखो ये सबस्ट्रेट क्या होगा, इन एक्टिव साइट्स पे आके लग जाएगा, ये सबस्ट्रेट इन एक्टिव साइट्स पे आके लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
अब ये क्या बन चुका है अपने पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, रिएक्शन क्या थी, इसको छोटे छोटे पीसेस में टूटना है, तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट क्या करेंगी, इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देंगी, इसको छोटे छोटे पीस में ऐसे जल्दी जल्दी तोड़ देंगी, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को नॉर्मली होने में 5, 10, 15 साल लग जाते, पर एंजाइम में क्या किया, इसको जल्दी से कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, पहले क्या था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये अब क्या बन चुका है, एंजाइम पे क्या लगा हुआ है, प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो ये क्या है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, ये है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब क्या है, एंजाइम इसको रिलीज कर देगा, प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, क्यों कर देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने किया था, एंजाइम कभी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना, उसमें इंटरफेयर कभी नहीं करता, ये बेचारा अपना सिंपल है और ये अगली रिएक्शन के लिए अब तैयार है, ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, एंजाइम अलग, ये प्रोडक्ट अलग, अपनी रिएक्शन कंप्लीट है और एंजाइम ने कभी भी इसमें इंटरफेयर नहीं किया, एंजाइम ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाया है, रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाया है। अब हम करने वाले हैं कि पीएच या टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो इनमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, ऑप्टिमम, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, क्या, ऑप्टिमम, ठीक है। मतलब क्या कहना चाहता है कि एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, सेम टेम्परेचर के लिए कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि किसी एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 7 है, मतलब 7 से नीचे भी वो क्या होगा, कम काम करेगा, और 7 से ऊपर भी वो कम काम करेगा, और 7 पे बहुत अच्छा काम करेगा। देखो ये पीक है पूरी, मान लो यहां पे 7 है, ये पीक है उसकी। सेम ऐसे टेम्परेचर के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी भी एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, 25 डिग्री यहाँ पे आया, ठीक है, तो 25 डिग्री से नीचे भी वो कम काम करेगा और 25 से ऊपर भी वो कम काम करेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। अब देखो इस ग्राफ को कैसे समझना है, देखो यहाँ पे क्या है, अपना सबस्ट्रेट है, इधर अपना सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है, और इधर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब या बोलो रेट ऑफ रिएक्शन इधर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और एक बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, एंजाइम क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ऐसा तो नहीं हमारे पास अनलिमिटेड एंजाइम हो ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबस्ट्रेट तो हजारों में है, लाखों में है, ठीक है, और एंजाइम सिर्फ हमारे पास कितने हैं, 10 हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 एंजाइम है, ठीक है। अब देखो एंजाइम का यूज यहां होना शुरू हुआ, यहां पे हमारा एक एंजाइम यूज हो गया, मतलब एंजाइम क्या करेगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा, है ना, इधर सबस्ट्रेट है, इधर सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहे हैं, इधर वेलोसिटी, ठीक है, यहां पे हमारा एक एंजाइम यूज हुआ, तो एक एंजाइम ने इतनी वेलोसिटी बढ़ाई, फिर दो एंजाइम यूज हुए, उसने और वेलोसिटी बढ़ाई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, है ना, यहां तक इतनी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि एंजाइम का नंबर बढ़ता जा रहा है, सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा एंजाइम उतनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाएंगे। पर यहां पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ 10 ही एंजाइम थे, तो हमारे 10 के 10 एंजाइम यहां पे ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, मतलब इससे ज्यादा हमारे पास एंजाइम ही नहीं, अब क्या है, अपने पास सबस्ट्रेट ही सबस्ट्रेट है, तो यहां पे एंजाइम अपने खत्म हो गए, मतलब इससे ज्यादा क्या है, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना, एंजाइम ही नहीं आगे तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, एंजाइम ही तो थे जो वेलोसिटी बढ़ा रहे थे, तो यहां पे अपने एंजाइम खत्म हो गए, तो ये ग्राफ कुछ ये बोलना चाहता है। और ये वी मैक्स क्या है, कि वी मैक्स मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, कि ऐसी वेलोसिटी, है ना, वी मैक्स क्या बताएगी अपने को, कि ऐसी वेलोसिटी जहां पे अपने सारे एंजाइम बुक हो चुके हैं, सारे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बुक हो चुके हैं, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती, ठीक है। अब ये वी मैक्स बाई 2 करते हैं, ये क्या होता है, और यहां पे इसी पॉइंट पे ये है KM, ये क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है कि ऐसा पॉइंट हमें देखना है कि जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी थी, ठीक है, ऐसा पॉइंट पकड़ लो कि जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी हो, और उस पॉइंट पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हुई, उस पॉइंट पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, उसी को दर्शाता है, उसी को डिनोट करता है ये KM, है ना, सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट अपना टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन तीन टाइप का हो सकता है, कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव एंड एंड प्रोडक्ट। ठीक है, देखो मेरे को पता है आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो कि किसमें क्या था, इधर उधर बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल अपना देसी तरीका यूज करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिशन, देखो नाम से ही कवर हो रहा है, कॉम्पिटेटिव मतलब यहां पर क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, यहां पर दो लोगों के बीच कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, अब ये दो बंदे कौन से हैं, देखो ये है अपना सबस्ट्रेट, ये है अपना सबस्ट्रेट जिसको हमें क्या करना है, काटना है, एंजाइम के साथ काटना है। ठीक है, और ये क्या है अपना इनहिबिटर, ये यहां पे इनहिबिटर आ गया। ठीक है, देखो अब क्या है, एंजाइम को क्या करना है, एंजाइम को रिएक्शन फास्ट से फास्ट करने के लिए क्या करना है, इस सबस्ट्रेट को जल्दी जल्दी काटना है। ठीक है, पर यहां पर यह एंजाइम बेचारा, ये कैंची जो है अपनी एंजाइम है, ये एंजाइम अपना कंफ्यूज हो गया कि ये इसको काटे या इसको काटे। क्यों क्यों कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के बिल्कुल हमशक्ल है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट जो है बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, तो अपना एंजाइम कंफ्यूज है कि इसको काटूं या इसको काटूं। तो ये कई बार क्या करता है, ये कई बार क्या करेगा, गलती से इसको काट देगा, ये धोखे से इसको काट देगा, काटना था इसको काट दिया इसको, मतलब क्या है अपना एंजाइम का सबस्ट्रेट पे यूज ही नहीं हो पाया, तो क्या हो जाएगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम रहेगी, बढ़ी नहीं पाएगी, मतलब क्या होगा, एंजाइम का इनहिबिशन हो गया, एंजाइम का इनहिबिशन हो गया। तो कॉम्पिटेटिव बिल्कुल क्लियर है, कॉम्पिटेटिव बिल्कुल ही क्लियर है। ठीक, अब नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिशन। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें कॉम्पिटिशन दो लोगों के बीच नहीं होगा, मतलब जैसे कॉम्पिटेटिव में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, नॉन कॉम्पिटेटिव में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, तो इसमें एंजाइम इनहिबिशन कैसे होगी, देखो यह है अपना सबस्ट्रेट, यह है अपना सबस्ट्रेट और यह है अपना एंजाइम। अब एंजाइम को क्या करना है, इसको जल्दी जल्दी से काटना है, इसको जल्दी जल्दी से काटना है, पर होगा क्या, इस एंजाइम के ऊपर ये क्या लग गया, ये इनहिबिटर लग गया। अब देखो इस इनहिबिटर ने क्या किया, एंजाइम को एक तरीके से ब्लॉक कर दिया है ना, एंजाइम को एक तरीके से ब्लॉक कर दिया, नॉन कॉम्पिटेटिव समझो, एंजाइम की एक साइड पे इनहिबिटर आके लग गया, एंजाइम को कर दिया ब्लॉक, अब ये इसको काट ही नहीं पा रहा, मतलब रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम है, एंजाइम का सही से यूज हो ही नहीं पा रहा, तो ये है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब लास्ट वाला करते हैं, क्या है, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। इसमें क्या होगा, देखो ये है अपना सबस्ट्रेट, ये है अपना सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम, तो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को ऐसे काटेगा, ये अपनी रिएक्शन हो रही है। अब क्या होगा, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये अपने क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्ट में से ही क्या होगा, ये आके इस पे इनहिबिटर बन जाएगा, ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बना यही इनहिबिटर बन गया और इसने एंजाइम को ऐसे ब्लॉक कर दिया। अब ये क्या है, इसको काट ही नहीं पा रहा, ये इसको काट ही नहीं पा रहा, तो ये भी क्या होगी, इनहिबिशन। एंड प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट बना उसी ने क्या की, इनहिबिशन की। ये सिंपल सा था। नेक्स्ट है एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन। देखो एंजाइम्स को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया और हर क्लास में क्या है, 4 to 13 सब क्लासेस है। ठीक है, अब ये 6 क्लासेस कौन सी है ये देख लेते हैं। ठीक है, पहली दो ये वाली हैं। देखो सिंपल सी बात है, जैसे इनके नाम है वैसा ही इनका फंक्शन है। ठीक है, पहली क्या है, ऑक्साइडो रिडक्टेज। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डीहाइड्रोजिनेज। अब इसमें नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा, एंजाइम विच कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन में जो एंजाइम होंगे वो रिडक्टेज, सिंपल सी बात। नेक्स्ट है ट्रांसफरेज, बिल्कुल नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करेंगे, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। बट एक बात ध्यान पे रखनी है कि हाइड्रोजन अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अब ट्रांसफर नाम से देखो, ये एस के साथ जी ये ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, और यहां पर एस डैश जो था खाली, अब ट्रांसफर ऑफ ग्रुप हो जाएगा, मतलब ये जो ग्रुप है वो एच डैश पे लग जाएगी, एस डैश पे ये ग्रुप लग गया है ना, इससे इसमें ट्रांसफर हो गया, सिंपल सी बात है, बिल्कुल नाम से ही कवर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ये नाम से ही कवर हो रहा है, हाइड्रोलिस मतलब ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, हाइड्रोलिसिस एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक कार्बन 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 हैलाइड पीएन बॉन्ड, इनकी क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। और लाइज, लाइज क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप, ये लाइज क्या करेगा, रिमूवल ऑफ ग्रुप करेगा। देखो कार्बन पे एक्स था, कार्बन पे वाई था, और इसने क्या किया, एक्स और वाई जो ग्रुप थे उनको रिमूव कर दिया अलग से, और कार्बन कार्बन के बीच क्या है,
डबल बॉन्ड छोड़ देगा, है ना। ये डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट याद रखना है, डबल बॉन्ड है लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी में, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, लाइगेज। लाइगेज का तो हमें ऑलरेडी पता हो क्या है, लाइगेज क्या होता है, फेविकोल होता है। लाइगेज क्या होता है, फेविकोल। और फेविकोल का काम क्या होता है, लिंकिंग, है ना, दो चीजों को आपस में जोड़ना। लास्ट है आइसोमरेसिस। देखो नाम से ही, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ना, ये सारे नाम से ही कवर हो जाएंगे, कुछ भी याद नहीं करना। आइसोमर मतलब क्या होगा, इंटर कन्वर्जन होगी किसमें, आइसोमर्स के बीच, बिल्कुल सारा नाम से याद हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि एंजाइम काम कैसे करता है, मतलब हमने किया कि एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो ऐसा करता कैसे है। देखो मान लो हमें यहां पे सब्सट्रेट था, हमारे पास यहां पे सब्सट्रेट था और यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट बनना है, यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट बन, तो नॉर्मल अगर हम बिना एंजाइम के रिएक्शन कराते हैं तो क्या हुआ, देखो इतनी एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी का ग्राफ देखो, ये इधर एनर्जी है, तो हमें इतनी सारी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है, ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। और हमने यहां पे क्या किया, इस वाले ग्राफ में हमने एंजाइम का यूज किया। देखो सिंपल सी एक लाइन याद करनी है कि एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होगी तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। क्यों होगी फास्ट, सिंपल सी बात है, एक तो इतना बड़ा पहाड़ कूद के जा रहे हो आप तो स्लो जाओगे, और एक छोटे पहाड़ है जल्दी कूद जाओगे, सिंपल सी बात है। देखो यहां पे ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी है और यहां पे देखो कितनी ज्यादा है, और फाइनल हमें कहां पहुंचना है, प्रोडक्ट पे पहुंचना है, तो सिंपल साइज में कुछ ऐसा है नहीं खास। देखो यार, न्यूक्लिक एसिड को यानी डीएनए आरएनए को हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ही करेंगे, क्योंकि यार ऐसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता सच्ची में कि उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कर लो फिर वहाँ पे कर लो। देखो उसका यूज़ उस चैप्टर में होना है, तो उसी चैप्टर में अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसे खाली टच करके भागने में फिर वो मज़े वाली फील वाली बात नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी की इस टेबल को याद करने की ट्रिक, ये टेबल है एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स की, मतलब सिंपल सी भाषा में बोलूं तो सेल में क्या क्या होता है और कितना कितना होता है। अब हमें सिंपली याद रखना है कि सेल के अंदर कौन सा कंपोनेंट मैक्सिमम है, कौन सा उससे कम है और कौन सा मिनिमम है, ठीक है। तो बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे हमें ये पूरा ऑर्डर याद हो जाएगा कि कौन मैक्सिमम है, कौन उससे कम, कौन मिनिमम, ऐसे करके एक ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। देखो एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम वाटर होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट की बात कर लें तो उसमें वाटर मैक्सिमम होता है, तो बॉडी में वाटर मैक्सिमम तो सेल में भी वाटर मैक्सिमम ही होता है, ठीक है, सिंपल है। तो मैक्सिमम हुआ वाटर, बस आपको यही चीज याद रखनी है। अब देखो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सेल की कॉम्पोजिशन बताओ, तो हमें सिंपली एक ही बात पता है कि सेल में वाटर मैक्सिमम होता है, बस आपको ये वाटर याद रखना है। अब मैं बोल रहा हूं कि आज आपके घर में पानी नहीं आया, पानी कल आएगा, ठीक है, हमें वाटर से क्या याद आया कि आज पानी नहीं आया, पानी कल आएगा। अब यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है कि पानी कल आएगा। देखो पानी पी एन से हुआ पानी, कल सी एल से हुआ कल, आएगा से हुआ आई, ठीक है। पी से प्रोटीन्स, एन से न्यूक्लिक एसिड, सी से कार्बोहाइड्रेट्स, एल से लिपिड्स, आई से आयंस, ठीक है। तो ये मैंने लिखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि मैक्सिमम होगा प्रोटीन, फिर मिनिमम हो जाएगा आयरन, ठीक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, आयंस। अब स्टार्टिंग से करते हैं एक बार। देखो हमारे पास क्वेश्चन आया कि सेल की कॉम्पोजिशन बताओ, ठीक है। तो हमें एक जनरल नॉलेज की बात पता है कि पानी होता है मैक्सिमम, सेल में पानी होता है मैक्सिमम, और पानी से हमें ट्रिक याद आई कि पानी आज नहीं आया, पानी कल आएगा, ठीक है, पानी कल आएगा। ये प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, आयरन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हुआ वाटर, फिर हुआ प्रोटीन, फिर हुआ न्यूक्लिक एसिड, फिर हुआ कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर आयरन। बायोमोलिक्यूल चैप्टर की इस टेबल को याद करने की ट्रिक, देखो मैंने इस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है कि जिसमें हमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, इनके नाम से ही ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम अपनी ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो पहले करते हैं ऑटोमेटिक याद होने वाला पार्ट। देखो इसमें फर्स्ट है टेरेपिनोइड्स, अब ये नाम से याद हो जाएगा, दोनों में आ रहा है टेरेपिन्स और ये है टेरेपिनोइड्स। तो टेरेपिनोइड्स के एग्जांपल हुए मोनोटेरेपिन्स एंड डायटेरेपिन्स। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑयल, अब इसके नाम में ही आ रहा है ऑयल, और यहाँ पे एग्जाम्पल में है लेमन ग्रास ऑयल, अब ये ऑयल से ऑयल मैच हो जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पिगमेंट,
अब ये कोई बड़ी साइंस नहीं है कि कैरेटिनोइड्स और एंथोसियानिन पिगमेंट होते हैं, ये बात सबको पता है, ठीक है। हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा है और बाकी चैप्टरों में भी हमें पता है कि कैरेटिनोइड्स और एंथोसियानिन क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, तो इसमें कुछ याद नहीं करना था। अब लास्ट है पॉलीमर, तो इसमें भी आप देखो हम रबर कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, पॉलीमर, गम्स का भी हमें पता है पॉलीमर होते हैं, और सेलुलोज भी एक टाइप का क्या होता है, पॉलीमर, तो इसमें भी कुछ हमें याद नहीं करना था, ठीक है। अब करते हैं अपना ट्रिक वाला पार्ट। देखो इसमें सबसे पहले है अल्कलॉइड्स, इसको कैसे याद रखें, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। एक लड़की है जिसका नाम है अल्का, अब अल्का कौन है ये सीक्रेट है, बस ट्रिक याद रख लो, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम है अल्का, अल्का को मोर पसंद है, मोर जो बर्ड होता है पिकॉक, ठीक है, अल्का को मोर बहुत पसंद है, तो अल्का से आया अल्कलॉइड्स, को से आया कोडीन, और मोर से आया मोरफिन, तो अल्कलॉइड्स में है कोडीन एंड मोरफिन। अब नेक्स्ट है लेक्टिन्स, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, आप कॉलेज में पढ़ते हो और आपको पता है कॉलेज में बच्चे कितना कम लेक्चर लगाते हैं, ठीक है, तो आप लेक्चर लगाने से पहले अपने दोस्तों से पूछ रहे हो कि लेक्चर कौन कौन लगाएगा, ठीक है, आप पूछ रहे हो लेक्चर कौन कौन लगाएगा, तो लेक्चर से हमारे पास आया लेक्टिन्स और कौन से आया कॉनक्लेविन ए, ठीक है, लेक्चर कौन कौन लगाएगा, लेक्चर से लेक्टिन्स और कौन से कॉनक्लेविन ए। नेक्स्ट है ड्रग्स, देखो अगर कोई ड्रग्स लेता है तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे, आप उसको एडवाइस दोगे कि ड्रग्स को डालो डस्टबिन में और हेल्दी चीजें खाया करो, हेल्दी चीजें जैसे ककंबर, ठीक है, ड्रग्स को डालो डस्टबिन में और हेल्दी चीजें जैसे ककंबर खाया करो, तो ड्रग्स से आया ड्रग्स और डस्टबिन से याद आ जाएगा हमें विनब्लास्टिन और ककंबर से याद आएगा कुर्कुमिन, ठीक है, ड्रग्स से ड्रग्स, डस्टबिन से विनब्लास्टिन और ककंबर से कुर्कुमिन। अब लास्ट है टॉक्सिन, देखो इसकी सबसे सिंपल ट्रिक है, सिंपली टार जो रोड बनाने में यूज होता है, आपको पता है टार क्या होता है, रोड बनाने में यूज होता है, ठीक है, सिंपली टार, टी से टॉक्सिन, ए से अब्रिन और आर से राइसिन, ठीक है,